स्वेंस हमारे साथ हर्ष बुटाटा है। हर्ष नागपुर से है, स्कोर आ रहा है 612, काफी फैंटास्टिक स्कोर ही है। हर्ष के साथ उनकी मॉम भी है, उनकी मॉम प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर है, फादर पीडियाट्रिशियन है। तो हर्ष को हमारे बारे में कहाँ से पता चला? हर्ष, आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर, आर्यमन भैया जो कि नागपुर के टॉपर थे लास्ट ईयर, उनसे हम मिलके आए थे, तो उन्होंने हाईली रिकमेंड किया कि नीट टेप पे बहुत अच्छा ऐप है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए और कंसेप्ट बनाने के लिए। तो उनके थ्रू हमें पता चला कि वो ऐप है। अभी तक उनका आइडिया नहीं था हमको, पर उनसे बात किया तो हमको अच्छा लगा कि वो ऐप बहुत अच्छा है, उसे हर चाइल्ड को एटलीस्ट वंस ट्राई करना चाहिए जो नीट दे रहा है। तो यदि आप लोग नहीं जानते आर्यमान व्यवहारे कौन है, तो आर्यमान का स्कोर 696 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका 243 या कुछ ऐसे रैंक था। और यस आर्यमान सर, काफी टॉपर था। सारे बड़े एम्स में जा सकता था, पर उसने पिछले साल डिसाइड किया था कि एम्स नागपुर जाएगा, तो ही वॉज दी ओपनिंग रैंक इन एम्स नागपुर, तो आपको पता चल गया। यस तो अब एक चीज बताइए, उस टाइम तक आपका जो भी आप टेस्ट वगैरह दे रहे थे उसमें क्या स्कोर आ रहा था? सर, उस टाइम तब आई वाज अराउंड 500 550, उन दोनों के बीच में चल रहा था मेरा स्कोर, तो थोड़ा कम ही चल रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू बकेट अप, बट वो हो नहीं रहा था उस तरीके से, क्योंकि एफर्ट जा रहे थे बट मार्क्स नहीं आ रहे थे। बट मैंने यहाँ पे सोचा कि प्रोसेस है, उसमें फिट करते हैं खुद को और बस करते रहते हैं, अपना 100% देते हैं, खुद को बस सेटिस्फाई रखते हैं कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। अगर वैसा करते रहूंगा तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा रिजल्ट। तो आपने हमारा क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज टारगेट बैच जो ज्वाइन किया, उससे आपकी तैयारी में क्या फर्क पड़ा? मतलब व्हाट वाज डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट यू वर ऑलरेडी डूइंग? सर, अप्रोच, एक चैप्टर बायो का पढ़ने का अप्रोच मेरा कंप्लीट बदल गया सर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चन है उसके वजह से मैं चैप्टर को, हर एक लाइन को 2 बार अलग तरीके से पढ़ पा रहा था, एनसीईआरटी में? तो या एनसीईआरटी में। तो अब जब नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहा था मैं, तो मेरे को दिख रहा था कि अच्छा, ये लाइन से ये क्वेश्चन नीट पे पहले बना सकते हैं, तो मेरे को इसको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी वो एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होगी नीट प्रयोग की वजह से। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। इसने कहा था कि मम्मी पहले हम एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब एक बार क्वेश्चन बैंक लगा लिया, क्वेश्चन बैंक के पैटर्न समझ में आए, क्वेश्चन कैसे बन सकते इस लाइन के ऊपर, वो क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ा, तब समझ में आया कि अरे यार, ये लाइन तो पिछली बार मैंने इतना इजिली स्किप कर दी थी, पर इस लाइन से भी ऐसा घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि क्वेश्चन बैंक लगाकर एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच चेंज हुआ। ठीक है, तो मैम ऐसा करते हैं, एक चीज हर्ष मैं आपकी मदद से कुछ चीजें पूछता हूँ। तो एक चीज क्या होता है कि काफी सारे पेरेंट्स जो मैं रेगुलरली, हमारे कॉन्कर बैच है, लाइव क्लासेस हम कराते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे मैंने अपना जिम्मा पेरेंट्स को के साथ इंटरेक्ट करके उनको सेंसिटाइज, उनको ट्रेन करने का रखा हुआ है। वो मेरे साथ काफी बार पूछते हैं कि कैसे पता चले बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है, तो मैंने उनसे कहा है कि हमने पेरेंट्स के लिए तो अलग से ऐप बनाया नहीं है। तो आपने और हर्ष ने मिलकर एक तरीका निकाला था, एज पेरेंट एज चाइल्ड यू आर एबल टू हेल्प ईच अदर इन प्रेपरेशन, तो वो वाला तरीका बताइए आपने क्या एग्जैक्टली किया, और आपके थ्रू अलग अलग फीचर्स, मतलब आप जब एक्सप्लेन कर रही थी अभी तो मुझे भी है ना कुछ कुछ हमारे फीचर्स याद आ रहे थे कि हाँ हमने ऐसी चीजें डाली हुई है। तो प्रॉबेबली आप एक अच्छा सा डेमो कर सकती है हमारे प्रोडक्ट का, और जब आप बोलेंगी तो मैं स्क्रीन पे टारगेट बैच खोल लूंगा, तो उससे फिर स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाएगा। तो बताइए आपने क्या किया, हर्ष की प्रिपरेशन में आपने कैसे हेल्प किया? एक्चुअली सर, सबसे पहले तो हर पेरेंट चाहता है कि मैं मेरे बच्चे के पढ़ाई में फोकस करूं, मैं देख पाऊं कि वो क्या पढ़ रहा, कहाँ गलत हो रहा, कहाँ रैंक आ रही, बट नॉलेज नहीं होता ना इतना, पढ़ाई बहुत वास्ट है। और फिर उसके चलते बच्चे भी इतना इन्वॉल्व नहीं होने देते पेरेंट्स को कि हम हमारे लेवल पे पढ़ लेंगे। बट करेक्ट, आपकी, आपने मुझे एक बहुत अच्छा जरिया दिया बच्चे के साथ जुड़ने का पढ़ाई में, इतने इजीली कंफर्टेबल फीचर्स है उसमें कि हर पेरेंट आराम से उसके साथ में बच्चे के साथ पढ़ाई कर सकता, और नॉट ओनली पढ़ सकता बल्कि जिस तरीके से फीचर्स है, वो फीचर्स को इस्तेमाल करके पढ़ाई को एंजॉयमेंट भी कर सकता। कभी कभी बच्चे को अकेले पढ़ के बोर होता है ना, तो फिर वहां पर पेरेंट्स के साथ में मिलकर भी वो चीजें करते, तो वो एंजॉयमेंट में कन्वर्ट होती है आपकी पढ़ाई। तो आप लाइक सर, मैं एग्जैक्टली एक चीज करते क्या पूछूं, थे मैम, आप एग्जैक्टली करते क्या थे ये बताइए, हाउ आर यू पार्टिसिपेटिंग इन हर्ष प्रेपरेशन, आप हर्ष की प्रेपरेशन में पार्टिसिपेट कर कैसे रहे थे?
ओके तो पहली बात तो अगर क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो आपके इसमें जो क्वेश्चन बैंक है, अब देखो हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री के सिर्फ रिकमेंडेड क्वेश्चन ही हम देख पाए, लेकिन बायोलॉजी के जो पूरे क्वेश्चन होते हैं। हर्ष हर्ष कौन से चैप्टर के रेकमेंडेड क्वेश्चंस खोलूं? हर्ष आप रेकमेंड करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोल दूं? अच्छा हां चलिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रेकमेंडेड एमसीक्यूज खोल दिया, 252 क्वेश्चन है मैम, ये रेकमेंडेड क्वेश्चन आ गए, अब क्या करें बताइए। वो सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को पहले की 200-250 क्वेश्चन है सर सिर्फ, तो 200 क्वेश्चन बायो के बनाने को एक घंटे के ऊपर नहीं लगता है, फिर उससे भी कम लगता है, तो द क्वेश्चन नंबर इज लिमिटेड एंड दे आर क्रिस्प एंड नाइस, तो उसके ऐसे प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाता है जिसका चाहिए होता है आपको, वो सबसे अच्छी बात पहले तो। ठीक है मैम अब बताइए क्वेश्चन खुल गया, आप क्या कर रहे हैं आप? या अब ऐसे होता है कि इस क्वेश्चन को इसने रीड किया, मैंने आपका ऐप दोनों फोन पे लिया था, मेरे फोन पर भी था, तीन जगह एक्सेस मिलता है आपके ऐप का, तो मेरे फोन पे था और इसके फोन पे था और एक टैबलेट पर भी था, हमारे तीनों जगह आपका ऐप था, मैं मेरा फोन भी खोलती थी, हर्ष का फोन भी खोलती थी और उसको बोलती थी तू सिर्फ मुझे आंसर बता, हम टाइम लगा के पढ़ाई करते थे कि 10 मिनट में तेरे 30 ये आपको बताता था और आप मार्क कर देती थी, ऐसा कुछ था? एग्जैक्टली, बिकॉज अगर वो मार्क करेगा और कोई क्वेश्चन अगर रेड हो गया तो क्या होता, बच्चा रुक जाता, अरे क्यों रॉन्ग हुआ, मैं एक बार फिर से कर लेता, उस चक्कर में तुम्हारा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, हमने तो टारगेट रखा कि 10 मिनट में 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने हैं, तब तक तुझे देखना ही नहीं है सही हुआ कि गलत हुआ, तो फिर हम लोगों ने, मैं उसको बोलती तू बता 1 2 3 4 क्या ऑप्शन, मैं टिक कर रही ऐसे करके वो, हाँ हम टिक करते थे, फिर अगर सही हो रॉन्ग हो व्हाटएवर, ऐसा करने के बाद एक हमारा टारगेट पूरा हो गया 50 क्वेश्चन का, तो हम लोग फिर बोलते बस अभी रुक जा, अभी हम क्वेश्चन को देखते, फिर सर आपके इसमें एक फीचर है कि जितने क्वेश्चन हुए ना उसको हम एक साथ उसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं, आई थिंक इधर राइट साइड में ऊपर में एक होता है वो चार बॉक्स करके ऊपर एक ग्रिड है, तो उसको बहुत जबरदस्त है, मतलब बच्चे इतने टाइम से मुझे कह रहे थे पूरा डेमो दे दो, आज वो काम हो रहा है, तो ये रही ग्रिड आप जिसकी बात कर रही है। तो अब देखो अब ये फिर मैं इसको ओपन करके रखती थी और हर एक्चुअल क्वेश्चन को ओपन करके रखता था, फिर मैं उसको बोलती थी देख वन नंबर का रॉन्ग है, अब तू देख क्या हुआ है इसको, फिर उसने भाई के भाई देखना उसके पास तो क्वेश्चन ओपन है, मेरे पास सिर्फ आंसर्स के नंबर्स राइट और रॉन्ग ओपन होते थे, ऐसे सर 100 क्वेश्चन है, अब 100 में से अगर 10 भी रॉन्ग हुए तो हर बार बैक आओ फिर क्वेश्चन देखो फिर इधर आओ फिर बैक आओ, तो टाइम और एक टाइम का भी और सेकंड पेरेंट भी बैठ सक रहा साथ में, तो फिर अब अगर रेड मार्क है तो वो तो देख उसको लग रहा, और आपके बाकी फीचर्स इतने बढ़िया है सर, फॉर एग्जांपल अगर रेड मार्क वाला है हर्ष को लगता था यही क्वेश्चन सही है, कितनी बार बोलता था अरे नहीं ये मेरा सही है करके, लेकिन जब उसका वीडियो एक्सप्रेशन सुनेंगे ना तब समझ में आता कि अरे यार ये चीज मैंने स्किप कर दी थी, ये वाला पॉइंट है, एट दैट टाइम उसके आपके इसमें एक नोट लिखने की फैसिलिटी है। यस सर वो बहुत अच्छी है सर, ये नोट लिखना गजब है यार, एक मतलब तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो और कुछ फोटो वोटो लगाना है तो वो सब ऐड कर सकते हो। यस सर, तो उसकी वजह से क्वेश्चन जो है गलत होते थे तो मैं उसको कर पाता, वैसे मेरे को और एक चीज बोलनी थी सर कि ये ऐप बहुत मतलब ये ऐप तो बहुत ही अच्छा है, बट मैं फिर भी चाहता हूँ बच्चे इसको आखिरी के 8-9 महीने में करे, क्योंकि आप पहले एक बार पूरे 2 साल पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे ऐसा होंगे तो फिर आपकी जो क्वेश्चन गलत होने का क्वांटिटी है वो कम हो जाएंगी, तो कम क्वेश्चन गलत होंगे तो आप उसको अच्छे से देख पाओगे और उसके नोट बना पाओगे, ऐसा मेरे को लगता है, पर अगर स्टार्टिंग से शुरू किया तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि फिर आपको हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे सर। एक्चुअली हमने लेट ज्वाइन किया था तो हमारे पूरे क्वेश्चन कहाँ लग पाए, नहीं लग पाए ना, तो शुरुआत से भी अगर कोई बच्चा पूरे 400 क्वेश्चन लगा रहा, हमने रिकमेंडेड लगाए फिर 200-250, तो अगर शुरुआत से भी कोई बच्चा 400-450 क्वेश्चन है सर कोई कोई चैप्टर्स के आपके पास, रूटिंग में 300 तो है ही है, तो अगर शुरुआत से भी कर लेगा तो उतने पूरे लग पाएंगे, फिर तुम आखिरी में सिर्फ रिकमेंडेड ही नहीं है सर, टॉप 100 क्वेश्चन भी आपके पास, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए बिकॉज टाइम ही नहीं था हमारे पास, तो आपने अलग से एक लिस्ट बनाई है टॉप 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के, फिर वापस से PYQs है आपके इसमें अलग से, फीचर्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए शुरुआत से भी करते हैं तो अपना उसमें बेनिफिट ही है, वो भी अच्छा है। तो मैम आप एक चीज बताइए, आप और क्या क्या करते थे, तो यहाँ पे और क्या फीचर यूज करते थे, एक तो गलत सही पता चला नोट बना लिया
और क्या करते थे ये शोमी ने बुकमार्क वाला। अब कैसे हो गया, फर्स्ट टाइम हमने 250 क्वेश्चन लगा लिए, अब वापस लगाते समय 250 पूरे तो नहीं लगाएंगे ना सर, वो नीचे। हाँ वही एग्जैक्टली सर, वही या तो अब एक बार 250 लग चुके, अब 250 में से जो रॉन्ग हुए, कभी कभी तो सिली मिस्टेक होती तो रॉन्ग हो गए, बट कभी कभी सच में यार मेरी कंसेप्ट ही हिल गई इस क्वेश्चन को देखकर। मैं तो अलग ही सोच रहा था, ऐसे क्वेश्चन को नोट तो लिखते थे पर बुकमार्क भी करते थे। बुकमार्क इज फॉर कि अगली बार मुझे सिर्फ यही क्वेश्चंस देखने हैं, अब मेरे को वापस 250 क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, जो आ गए वो तो अच्छे ही थे, आ ही गए थे मुझे। तो एक बुकमार्क वाली फैसिलिटी बहुत अच्छी है, नोट वाली फैसिलिटी है, राइट रॉन्ग दिख जाता है वहां के वहां जो रॉन्ग हुआ भी करते थे। हाँ सर बिल्कुल, मतलब जो रॉन्ग जैसे बायोलॉजी को ये बहुत बार की नहीं यार ये सही है करके मिली, हर्ष देख ले एनसीईआरटी क्या बोल रहा है उसके रिगार्डिंग, तो वही के वही आपको शो मी इन एनसीईआरटी का ऑप्शन मिलता, कौन से चैप्टर का है, कौन से पेज का है और कौन सा पैराग्राफ में है, इतना डिटेल वहां पे मार्किंग हुई है शो मी इन एनसीईआरटी में। तो समझ में आता कि आपने सच में कितनी मेहनत करी होंगी इस ऐप को बनाने के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन का जो आंसर का कॉन्टेंट है उस कॉन्टेंट को आपने पेज नंबर चैप्टर पैराग्राफ के साथ मेंशन किया है। सो रियली आज है ना हमारा सारे लोग ऑफिस में सुन रहे हैं तो सबका जो मेहनत करते हैं वो सब धन्य हो रहा है, तो एवरीवन सब लोगों ने काम रोक दिया, सब देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस का हो गया, इसके अलावा और क्या यूज किया हर्ष आपने? सर फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड, चलो फ्लैश कार्ड पे चलते, तो बताओ फ्लैश कार्ड को कैसे यूज करते थे, कौन से चैप्टर पे चलू? फ्लैश कार्ड के लिए सर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावर, हाँ मैं समझ गया, तो जो चीज रटने वाली है उसको फ्लैश कार्ड से कर रहे हो अच्छी तरह। यस सर, क्योंकि उससे आप बिना मतलब एक वर्ड का जो आंसर चाहिए होता है आपको फिर याद होते जाता है धीरे धीरे आप जब इसे यूज करते हो। इसका आंसर क्या है, रूट सिस्टम फाउंड इन डाइकोटिलेडोनस? डाइकोटिलेडोनस में टाइप रूट सर। भाई साहब जियो अभी भी तुम्हें याद है? मैं डर गई थी के लिए कि 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए पढ़ा नहीं, पता नहीं रॉन्ग दे देगा क्या आंसर। नहीं नहीं रॉन्ग नहीं दिया, बहुत अच्छा। तो आप फ्लैश कार्ड को इस तरह से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होता था मैम? आप भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करती थी फ्लैश कार्ड में? फ्लैश कार्ड में मैंने बहुत नहीं किया, इसने खुद नहीं किया फ्लैश कार्ड से, तू ही बता करता था। हाँ तो अपने आप करने के लिए मतलब कितने घंटे में रिविजन हो जाता था फ्लैश कार्ड से एक चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी का? बहुत जल्दी सर, घंटे में नहीं सर, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाता था इससे। टिपिकली स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर बिटवीन 20-30 मिनट्स में रिवाइज हो जाता है पूरा। बिल्कुल सर बिल्कुल उठता है सर। तो आप बस ऐसे करते जाओ, मन में सोचा जैसे टैप रूट सोचा, फाइब्रस रूट सोचा और फुल स्पीड से आगे बढ़े जाओ। नहीं सर एक्चुअली इससे क्या फायदा है, आप एनसीईआरटी से वही 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 बार बार पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो वापस से पढ़ने बोलते अरे यार फिर से 20 पेज का चैप्टर फिर से वही पढ़ना है, तो वो ना करते हुए आपको अगर 20-25 मिनट में रिवाइज करना है चैप्टर को, तो आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया है इस फ्लैश कार्ड वाले फीचर्स में, और उसमें भी अच्छा है कि आपने क्वेश्चन डाल दिया, क्लिक करो तुरंत अपना आंसर मिलता, तो सही हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता, रॉन्ग हुआ तो समझ में आता कि अरे यार अभी भी तैयारी करने की जरूरत है इस चैप्टर पर। तो फ्लैश कार्ड का एक तो टाइम सेविंग है और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई होती है। यस सर, चलिए क्वेश्चंस आपने एक्सप्लेन कर दिए, फ्लैश कार्ड एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद और क्या फीचर यूज करते थे? चैप्टर डीपीपीस। हाँ चैप्टर डीपीपीस है उसमें, क्योंकि एक चैप्टर कभी बहुत बड़ा होता है कि फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स ही खोलता हूँ, लेट्स से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स खोल रहा हूँ मैं, ये खोल लिया। अब क्या करते थे आप? Okay. इसमें स्पेसिफिक कोई टॉपिक प्रैक्टिस करते थे? हाँ, जैसे मेरे को पर्टिकुलरली सरफेस टेंशन बहुत हार्ड लगता था, तो सरफेस टेंशन पे क्लिक किया, क्रिएट डीपीपी कर लिया। हाँ, तो वैसा करता था, उसके 30 क्वेश्चन आते थे और 30 क्वेश्चन फिर सॉल्व करता था। मैम इसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करती थी, साथ में होती थी या यहाँ पे नहीं? नहीं फिजिक्स में सर वो क्योंकि टाइम लगता है ना, तो वो तो सॉल्व करके करेगा, तो वो खुद ही टेक करता था। यहाँ पर मैं सर मैं ओनली बायोलॉजी, मैं खुद डॉक्टर हूँ और बाकी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री इतना आता ही था, बायोलॉजी मेरा भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में रहा। उसके बाद में पीवाईक्यूज जो उसने लगाए थे पूरे पूरे पेपर 180 क्वेश्चन के, वहां मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था। वो है सर बहुत अच्छा वो ऐप का, ये अच्छा है कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू एक साथ एक जगह मिल रहे हैं,
जो कि ढूंढने एक बार दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कहाँ पे मिलते हैं? आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जाते हैं, मेन्यू कोर्स कंटेंट क्वेश्चंस। आप हाँ. यदि किसी भी चैप्टर, किसी चैप्टर पे जाके पी वाई क्यूज करते थे या कैसे करते थे, चैप्टर पे जाके या एक साथ करते थे? यस सर. तो लेट से केमिस्ट्री पे गए, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पे गए, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन सेट में हमने एंड में किया था रेकमेंडेड पीवाईक्यू स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये हाँ सर, ये एक फीचर भी बहुत बढ़िया है, मतलब पीवाईक्यू हम अगर लगाते हैं पिछले सपोज 20 साल के 25 साल के, तो अभी तो एक हमको पता है कि क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस आ रहा है, ठीक है. अब अगर मैं पीवाईक्यू लगाने जाऊं तो 2018 के पहले के पेपर्स में बहुत सारे नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आते हैं. अब वहां पर जाके बच्चा स्टक होता कि मुझे नहीं आ रहे थे, उसके लिए मेहनत करना. जिनको ऑब्वियसली 720 लाने हैं वो बिल्कुल करे उतनी मेहनत. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जिसका टारगेट 630 640 तक है, उसने एक हाथ दो क्वेश्चन नहीं भी लगाए ना बगैर एनसीईआरटी के तो भी चलता, लेकिन अपना टाइम अपने एफर्ट्स दो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे. और वो फीचर आपके ऐप से इतना अच्छा मिला, नॉट ओनली पीवाईक्यू के लिए, इवन आपके जो रिकमेंडेड है, इवन आपका जो पूरा क्वेश्चन बैंक है वहां पे भी सिलेक्ट कर लो एनसीईआरटी बेस्ड ओनली, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलते हैं. और ये सब तैयारी मैं करके रखती थी दोनों के मोबाइल में. तो आप करेक्ट परसेंटेज का भी कुछ बता रही थी, तो जहाँ पे करेक्ट परसेंटेज लो होता था और सॉल्व कर देता था, तो यू वुड बोथ ऑफ यू वुड फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, अप्रिशिएट करते थे मेरे को, बोलते थे कि सिर्फ 47% से 50% लोगों ने सॉल्व किया है तो अच्छी बात है कि तेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है. और अगर कोई 95% का क्वेश्चन कभी जल्दी में गलत हो जाता था तो बोलते थे कि तेरे को ये भी नहीं आ रहा है ऐसा. नहीं मतलब तेरे को और पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, फैंटास्टिक है. और कुछ चीज यहाँ पे आपने यूज की, टेस्ट लिखते थे रेगुलरली? सर नॉट रेगुलरली, लास्ट के टाइम में मैंने टेस्ट बहुत सॉल्व कर दिया, फुल सिलेबस वाली. हाँ, बाकी तो क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ था तो फिर बाहर के पेपर में देते रहता था, इसलिए वो फिर ये नहीं कर पाता था. तो टेस्ट में आपका क्या स्कोर आता था हमारे यहाँ? सर लास्ट में दिए तो 550-600 के पास रहता था मैं उसमें. 600 तक भी नहीं, 550, 570, 580 इस टाइप का. आपके जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो हमने लगाए थे अच्छे से और उसका ही मैं सेम करती थी. तो आपका 612 डायरेक्टली एग्जाम के अंदर ही आया, उससे पहले 612 आया नहीं? आपके प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आया, क्वेश्चन लेवल आए होते थे वैसे. LN के आखिरी के जो 10 मेजर होते हैं, हाँ, उसमें अच्छा स्कोर आखिरी उसमें अच्छा स्कोर आया, गुड. तो सर जबरदस्त है, मतलब दिस इज फैंटास्टिक. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है, कई बार क्या होता है मेहनत करते रहते हैं, काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं 5-6 साल से कर रहे हैं, तो लगता है कि आर पीपल यूजिंग ऑल द फीचर्स, उनको फायदा हो रहा है, आर दे अप्रिशिएटिंग इट. और उसके बाद फिर आपको इस टाइप का डिस्कशन करने को मिलता है. आपकी मदर ने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया था और मैंने उनसे कहा कि आप भी इंटरव्यू ज्वाइन करिए, क्योंकि उन्होंने फोन पे जो जो चीजें बताई, मतलब चीज क्या है कि 612 या 640 या 650 या 670 वो थोड़ा इरेलेवेंट है. व्हाट इज हैपनिंग इज इस एज में आप करीब 17 से 18 के बीच में हो. इस एज में जब आपको इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ मेहनत से. Exactly. तो उसके बाद आपको लाइफ में कोई चीज रोकेगी नहीं. रोकेगी नहीं सर. हाँ बिल्कुल. तो वो चीज बड़ी जबरदस्त है. हमारा क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज, जो भी चीजें हमने टारगेट बैच में डाली है वो आपको हेल्प कर पाई. आपको जितना फायदा हुआ प्लेजर हमारा भी उतना ही ज्यादा है दैट आपको उससे फायदा हुआ, तो गुड. तो अभी कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आप 612 पे? सर नागपुर जीएमसी का सोच रहे हैं कि वहां पे मिल सकता है, और अगर स्टेट कोटा का वेट कर रहे हैं, अगर उसके थ्रू अगर मुंबई में मिल जाता है तो अच्छा रहेगा. मुंबई में कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके स्कोर पे? मुंबई में स्कोर पे साइन जे जे नायर, ये 2-3 ही है. KEM तो बहुत हाई जाता है, उसका कट ऑफ तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल.
बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज बताइए, आप पूरा दिन कैसे टाइम स्पेंड करते थे? सिर्फ पढ़ते रहते थे, कुछ और भी करते थे? नहीं सर, मतलब एक तो ये समझो कि जो भी नीट एस्पिरेंट है, आपने एक फील्ड चूज करी है आपके मर्जी से, तो आपको अपना मैक्सिमम टाइम इसमें देना है। बट क्योंकि 2 साल एक लंबा टाइम स्पेंड है, तो खुद को मोटिवेट और खुद को खुश रखने के लिए आपको कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जो आपको इंजॉयमेंट दे, क्योंकि नीट आपको सेटिस्फेक्शन सकता है पर इंजॉयमेंट कभी भी नहीं दे पाता, क्योंकि आप बोर हो जाते हो पढ़ पढ़ के। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो चीज आपको पसंद है, जैसे मेरे को पर्सनली क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं क्रिकेट खेलता था रोज का 30-40 मिनट्स, ताकि एक एक्टिविटी भी और मेरा फिर रिफ्रेशमेंट हो जाता था वो खेल के। सिर्फ खेलना ही नहीं था सर, क्रिकेट देखना, क्रिकेट को सुनना और क्रिकेट के प्लेयर्स के क्या व्यू है लाइफ के लिए, ये इसका बहुत अच्छा एक पॉइंट था। कि रोहित शर्मा का फैन है, तो रोहित शर्मा क्रिकेट की हर बॉल को ऑलवेज एक्सेप्ट नहीं करता। इतना बढ़िया लगा मुझे इसका सेंटेंस कि मम्मी रोहित शर्मा ने बोला है कि हर बॉल इतनी इजी नहीं होती, कभी कभी बॉल को छोड़ देना पड़ता। वैसे ही मेरे क्वेश्चंस भी हर बार इतने इजी नहीं हो सकते, मुझे कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे। तो उस क्रिकेट प्लेयर की क्या माइंडसेट है लाइफ के लिए, अपने अप्रोच के लिए, अपने गोल के लिए, उसको ये ऑब्जर्व करता था और उसको अपने लाइफ में उतारना चाहता था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यू आर सीइंग अ प्राउड पेरेंट टॉक। उन्हें हर्ष की बहुत सारी चीजें पसंद है। हर्ष, अब एक चीज और बता दीजिए, आपकी मदर ने बताया कि आप पोयम लिखते हैं, तो आपने नीट के बारे में एक पोयम लिखी है, तो जल्दी से वो भी सुना दीजिए, देन वी विल फिनिश दिस इंटरव्यू। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली मतलब एक और बात थी कि ये जो पोयम लिखी गई है वो नीट पेपर के 10 दिन पहले लिखी गई है सर। ये बोल के लिखा था कि मुझे नहीं पता मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, सो कम भी आया तो बाद में मुझे लोग बोलेंगे, इसलिए मैं पहले ही पोएम लिख लेता बोले, बिकॉज मुझे बच्चों को बताना है कि 2 साल के जर्नी को एंजॉय करो। रिजल्ट एग्जैक्टली सर, रिजल्ट अलग है और ये 2 साल की मेहनत अलग है, भले ही वो दोनों सिंक्रोनाइज करते हैं आखिरी में जाके, बट अगर आप 2 साल अच्छा एफर्ट डाल के करते भी हो और बाय चांस अगर पेपर आपका नहीं होता है अच्छा, बट आज जब खुद को दोबारा देखोगे तो लगना चाहिए कि यार 2 साल अपना बेस्ट दे दिया मैंने, अब इसके ऊपर मेरे हाथ में कुछ था नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर वो बेस्ट थिंग है, वो रिजल्ट से भी बड़ी है। मतलब था कि पेपर देके आने के बाद मुझे कहीं भी रिग्रेट ना हो कि मैंने अफर्ट डाले नहीं मेरे अप टू लिमिट तक के। हाँ, सो मैंने एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करी, वो चीज उसने इस पोएम में लिखी है। बताइए कुछ 2 साल 2 महीने हुए हैं मुझे इस सफर में आए, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कल ही की बात है जब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के पहले ऑनलाइन लेक्चर आए, वो 10th की हजारे यादें छोड़कर यू एकदम से अपनी जिंदगी बनाना था। अरे बाबा, बोर्ड्स को खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और हमें तो अभी से रेस में भागना था। एक्साइटमेंट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, प्रोग्रेस, सक्सेस, फेलियर, ना उम्मीद, यकीन मानो सब देखा है मैंने अपने आंखों से, एक एवरेज बच्चे को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश करते हुए देखा है। सर ये रियलिटी है। बिना रिजल्ट की परवाह किए बस इन 2 सालों को अपने पैशन के लिए दिया हूँ, फक्र करता हूँ इतने स्ट्रेस में भी हर दिन खुल के जिया हूँ। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। ऑन दिस फैंटास्टिक पॉजिटिव नोट हर्ष, बहुत शानदार। मुझे एक चीज बताइए, पोयम खत्म हो गई या बची है? नहीं, हो गए सर, हो गए। वाह, मुझे बीच में एकदम से लगा कि मैंने बीच में रोक तो नहीं दिया। दिस इज फैंटास्टिक हर्ष, बेस्ट विशेस टू योर मॉम, टू योर फादर जो अभी यहाँ पे है नहीं, आई एम श्योर ही विल आल्सो वॉच दिस वीडियो, बट बहुत मजा आया आपसे बात करके, कंग्रेचुलेशन अगेन। स्टूडेंट 612, ही एंजॉयड हिज स्टडीज, अपने खेले कूदे, पोयम लिखी, और आई एम सो हैप्पी, वेरी प्राउड कि उन्होंने हमारे टारगेट बैच से तैयारी की, और उनकी मदर ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच हर्ष, एंड थैंक यू सो मच मिस पुटाडा। थैंक यू सो मच सर। एक ही चीज लास्ट में बोलूंगी, आपके आपने पढ़ने का जरा तो बिल्कुल दिया, बट बेटे के साथ कनेक्ट होने का जरिया भी मुझे दिया आपकी, आपके थ्रू मैं उसके साथ बैठ पाई, उससे पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें भी करी, बिकॉज पढ़ाई में खुले तो दूसरी बातें भी हुई। तो मैंने भी इसके नीट की प्रिपरेशन 2 साल बहुत बढ़िया एंजॉय करी, एंड द थिंग इज दैट
कि नीट प्रेप के द्वारा मैं उसके साथ जो बैठती थी, तो एक वो टाइम मुझे मिला, अलाउ किया उसने मुझे कि मेरे साथ बैठ सकते हैं आप। अदर जिस बच्चे थोड़े से बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता पढ़ाई कैसे करते हैं, आप रहने दो, बट यह जरिए के थ्रू हम दोनों बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम।